रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में तो पता लग गया, लेकिन उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है और वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर वी विल डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन को जरा रिव्यू कर लें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। अब यहां चीज है नोट करने की, टू कलेक्ट क्या चीज इंफॉर्मेशन, टू स्टोर अगेन इंफॉर्मेशन, टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेट। अब यहां पर अगर आप चार एलिमेंट्स को देखें, ऑल आर इंटररिलेटेड। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होगी, उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाएगा और शेयर या डिसेमिनेट किया जाएगा टू द स्टेक होल्डर। अब यहां पर एक चीज अनदर नोट करने की है, दैट इज के कुछ कंपनीज में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड होता है और कुछ कंपनीज में इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अनेबल्ड है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आप एक पेन और पेपर को यूज करके स्टोर, कलेक्ट, मैनिपुलेट और डिसेमिनेट कर रहे हैं, दैट इज ए मैनुअल सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैनुअल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है या नहीं? डेफिनेटली इट इज नॉट दैट एफिशिएंट एज कंपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में आप पिछले 5-10 साल का डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और बहुत क्विकली उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक पेन और पेपर के ऊपर स्टोर कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पिछले 5-10 साल का डेटा को पहले रिट्रीव करना और उसको समराइज करके कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर पाना। लेकिन मैनी कंपनीज में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, ऑटोमेटेड भी करता है और कंप्यूटर बेस्ड भी करता है। तो मैनी कंपनीज दे यूज बेहतर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ताकि डिसीजन मेकिंग तेज हो पाए। अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को जरा हम बेहतर तरीके से और अंडरस्टैंड कर लें। इट इज सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल एंड प्रोसीजर। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ हार्डवेयर होगा, अगर आप कंप्यूटर की बात करें, सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, उसके साथ साथ आपके पास डेटाबेसेस मौजूद होनी चाहिए जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टोर भी किया जाए। अगर स्टोर किया जा रहा है तो उस डेटाबेस या उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऐसे फंक्शनैलिटी मौजूद हो ताकि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उस तक डिसेमिनेट भी कर पाए। अगर आप किसी एक एप्लीकेशन की बात करें तो आप कंप्यूटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। क्या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो एफिशिएंट होगा? नहीं एफिशिएंट होगा। आपको ऐसे डेटाबेसेस चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए जो बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, स्टोर करके और डिसेमिनेट कर सके। दोज आर कॉन्फिगर्ड टू कलेक्ट, मैनिपुलेट, स्टोर, प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट नहीं है लेकिन आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में और इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही तो जो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं तो एफिशिएंसी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी और कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं हो पाएगी, कस्टमर सर्विस भी बेहतर नहीं हो पाएगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर नोट कीजिए कि जब आई एम यूजिंग द वर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इट मींस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी कर सकता है। लेकिन यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस कोर्स वी विल बी यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम,
जो कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, डिसेमिनेट करेगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेशन. हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेशन का मतलब यह है कि आपके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, डेटा सारा स्टोर हो रहा है, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट असाइन किया, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है. लेकिन क्या आपके पास ऑटोमेशन मौजूद है? क्या वो सारी इंफॉर्मेशन इन ए प्रॉपर वे स्टोर हो रही है? और क्या उसके स्टोर होने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है, नंबर वन, शेयर हो सकती है, नंबर टू, और क्या उस शेयरिंग की बेस पे सारे जो एम्प्लॉयज मौजूद हैं कंपनी के अंदर उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं. टू सपोर्ट डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस. अब हर कंपनी के अंदर दे आर डिफरेंट फंक्शंस विच आर मेनी यूनिट्स आर परफॉर्मिंग. मार्केटिंग एंड सेल्स वाले अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे. तो अगर इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो थ्रू एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट नहीं हो रही, स्टोर नहीं हो रही, मैनेज नहीं हो रही, तो कैसे बेहतर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी? जब बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी तो कस्टमर को बेहतर तरीके से कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी. तो जरूरत इस बात की है कि कंपनी में ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हों जो इंटर रिलेटेड हों. नंबर वन, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम तक इंफॉर्मेशन शेयर हो पाए, डिफरेंट यूनिट्स जो मौजूद हैं और एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. तो ये सारी चीजें जब इकट्ठे मिलकर एक इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट बनाएंगी तो कंपनी भी बेहतर प्रॉफिट कमा सकेगी और बेहतर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेगी.